हाय एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज का मेरा टॉपिक है डायपर बैग, और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने डायपर बैग कहाँ से लिया है और कौन सा डायपर बैग मैं यूज़ करती हूँ मेरी बच्ची के लिए, और डायपर बैग में हम क्या क्या चीज़ें ले जा सकते हैं एक दिन के लिए अगर हम बाहर जा रहे हैं तो, और कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और इमरजेंसी में क्या क्या चीज़ें हमें बच्चों के लिए चाहिए होती है, तो उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आई हूँ। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि डायपर बैग में क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैंने यहाँ पे डायपर बैग लिया था, फर्स्ट क्राई से मंगवाया था, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। फर्स्ट चेन है यहाँ पे छोटी सी, और वहाँ पे एक बॉक्स है, उसके अंदर आप हैंकी और टिश्यू रख सकते हो और आईडीज़ भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आईडी रखी है क्योंकि यूएई में रहते हैं तो आईडी की ज़रूरत एवरीडे पड़ती है हमें। और उसके अंदर 3 बोतल की स्पेस है जिसके अंदर आप हॉट एंड कोल्ड दोनों रख सकते हो। तो मिल्क पाउडर रह जाता है, बोतल रह जाती है, और पानी की भी बोतल रह जाती है। और उसके अंदर है एक और बड़ा चेन वाला बॉक्स, और उसके अंदर एक क्लोथ्स बॉक्स है, और उसके बाद 2 छोटे छोटे बॉक्स है जिसके अंदर आप और चीज़ें भी रख सकते हो, बड़ी बोतल पानी की रख सकते हो। और साइड्स में जो छोटे छोटे बॉक्स है उसके अंदर आप मेडिसिंस रख सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें, एक्सेसरीज रख सकते हो। और पीछे वाला भाई एक बॉक्स है जिसके अंदर आप मोबाइल, फिर आप पर्सनल चीज़ें, आईपैड है छोटा सा, तो वो चीज़ें भी रख सकते हो, तो वो सेफ्टी के लिए रह जाएगी अच्छे से। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें अंदर क्या क्या रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या रखना चाहिए, एक 1 पेयर ऑफ द क्लोथ्स, क्योंकि कभी भी बच्चे कपड़े गंदे कर देते तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। एक छोटा सा टॉवेल की भी ज़रूरत पड़ती है उसको क्लीन करने के लिए। तो छोटा सा टॉवेल, 1 पेयर ऑफ क्लोथ्स एंड टिश्यू एंड डाइपर्स। डाइपर्स आप दिन के हिसाब से ले जा सकते हो। और फिर उसको शॉल भी चाहिए अगर वो कभी भी सो जाता है तो उसको उड़ाने के लिए, ठंड लग जाती है। उसका हैंकी माउथ क्लीन करने के लिए चाहिए, और अगर आप हैंकी की जगह आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो। मैंने टिश्यू भी रखे हैं बैग में, और ये भी रखा है, एक 1 पेयर ऑफ द सॉक्स लिए हैं। और उसके बाद मैंने एक पाउच लिया है क्योंकि पाउच की ज़रूरत 1 से 6 महीने के बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 1 से 6 महीने के बच्चों के लिए हमें बच्चा को संभालना होता है, इमरजेंसी में चीज़ें ढूंढनी पड़ती है तो बैग में से नहीं निकाल पाते, तो ये पाउच ही निकाल के जल्दी से उसको दे दो। तो ये है उसका, ये है उसका कोलिक ड्रॉप्स मैंने डाल दिया है। और इसके बाद है नसल ड्रॉप्स, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी गैस बन जाती है बच्चों को, और कभी भी नाक भी बंद हो जाता है। और ये है मॉस्किटो बिफोर रोल ऑन एंड आफ्टर रोल ऑन, तो ये भी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पे भी ऐसी जगह पे जा रहे हो। तो ये है टमी रोल ऑन, जब उसकी गैस बन जाती है तो इमरजेंसी में आप रोल ऑन लगा दो, बच्चे को ठीक हो जाएगा उसका गैस, क्योंकि ये सारी चीज़ें कार में बैठते हैं तो काफ़ी सारे बच्चों को हो जाती है। और ये है उसका एक कंटेनर और एक स्पून लिया है मैंने, जिसके अंदर मैं सेरेलिक बना के खिलाती हूँ, या तो फिर मैं खिचड़ी लेके गई हूँ तो खिचड़ी उसके अंदर डाल देती हूँ। और ये दूसरा है बॉक्स जिसके अंदर 5 आवर्स कोल्ड एंड 7 आवर्स हॉट रहता है, और ये हमने लिया था कार्टर से। तो ये कार्टर्स का हॉट एंड कोल्ड का कंटेनर है, और ये कंटेनर के अंदर सारी चीज़ें मैं फूड लेके जाती हूँ उसका। और पीछे जो ग्लास का जार पड़ा है उसमें मैं मिल्क पाउडर लेके जाती हूँ एक दिन के लिए। और ये है छोटा सा बम्बिनी वाटर बोतल, जो बम्बिनी वाटर पीती है ताक्सवी, उसके लिए वो वाटर बोतल है, ये मिल्क बोतल है। तो ये सारी चीज़ें मैं ताक्सवी के लिए लेके जाती हूँ, और डायपर बैग में अच्छे से मैं कवर अप कर देती हूँ। तो सबसे पहले ये जो 3 बॉक्सेस हैं उसके अंदर ये आ जाएगा, वाटर बोतल, मिल्क बोतल, और साइड में वाटर पिलाने के लिए भी बोतल चाहिए तो वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने नहीं रखा है क्योंकि वो ताक्सवी खेल रही थी तो दे नहीं रही थी मुझे। और फिर उसके बाद हैंकी है, स्पून है, तो वो आगे वाले जाली में आ जाएंगी। और उसके बाद हम डालेंगे उसके अंदर टिश्यू, जो टिश्यू के लिए साइड में एक बॉक्स बना होता है चेन वाला, जहाँ से आप निकाल सकते हो डायपर ईजीली। और एक क्लोथ्स रखा हुआ है जो है ये, जिस तरह पैड होता है इस तरह पैड वाला क्लोथ्स है, जिस किसी के भी घर जाते हैं तो हम ताक्सवी को इस पर सुला के ही डायपर चेंज करते हैं, क्योंकि डायपर चेंज करते वक्त कभी भी बच्चा शूसू कर लेता है, पोटी कर लेता है, तो किसी की चीज़ें ख़राब ना हो। तो ये यूज़ एंड थ्रू क्लोथ्स है, तो वो रखूँगी, फिर मैं डायपर रखूँगी। और आप देख सकते हो बैग के अंदर एक छोटा सा किचन के जैसा हैंग हो रखा है, वो है डायपर थ्रो करने के लिए, छोटे से बैग्स आते हैं तो वो मैं
थ्रो करने के लिए रखती हूँ, उस प्लास्टिक के अंदर ही डाल के मैं डायपर को थ्रो करती हूँ, तो वो प्लास्टिक का वो लगा हुआ है। और इस तरह से मैं सारी चीज़ें रख देती हूँ, और कपड़े भी मैं साइड में रख दूँगी, साइड वाले बुक्स में। और उसके बाद मैंने रख दिया हैंकी, और ये पाउच मैं इसीलिए रखती हूँ कि इजीली सारी चीज़ें अंदर से निकाल दूँ। और ये देखिए, मैं प्लास्टिक का जो बैग्स बोल रही थी वो है। तो इस तरह से मेरा बैग हो गया रेडी, और इसके अंदर मैं मास्क भी डालती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में मास्क और सैनिटाइज़र के बगैर अंदर नहीं जाने देते, तो वो हर रोज़ मुझे ये चाहिए होते हैं। तो मास्क ये सैनिटाइज़र है, और ये हो गया हमारा बैग रेडी। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको यूज़फुल हुई हो, तो आप उसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।